Hello dear friends, I am Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Indian Constitution Mock Test Part 5 and we are going to cover next 25 questions on Indian Constitution from question number 101 to question number 125. These questions are important for all those candidates who are going to appear for any competitive examinations. As you know, Indian Constitution is a part of general awareness. और साथ ही साथ उन सारे कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बीकॉम, एमकॉम, क्रेट, नीट, जेआरएफ, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है हमारा 101 और क्वेश्चन है हमारा द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन लिस्ट है ना उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन में सब्जेक्ट्स दिए ना, तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला ऑप्शन 97 सब्जेक्ट्स, दूसरा ऑप्शन 61 सब्जेक्ट्स, तीसरा ऑप्शन 47 सब्जेक्ट्स और चौथा ऑप्शन 73 सब्जेक्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यूनियन लिस्ट में कुल मिला के 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन है हमारा, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, दूसरा ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, तीसरा ऑप्शन प्रीएम्बल, चौथा ऑप्शन फेडरल सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रीएम्बल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपने जब सिविक्स पढ़ा था स्कूल के टाइम में, सोशल स्टडीज के अंदर, या पॉलिटिकल साइंस में जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल जरूर पढ़ते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो प्रीएम्बल में आपको मालूम है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा सार है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता है, राइट्स बताता है, ड्यूटीज बताता है, बहुत कुछ बताता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रीएम्बल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल्स ऑफ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पूरा का पूरा सहयोग दिया, एक्चुअली जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहले फॉर्म किया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा सके, संविधान का निर्माण किया जा सके। ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब थी, वो किसके प्रपोजल के अकॉर्डिंग सेट की गई थी। ठीक है, किसका प्रपोजल था उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट किया गया था। पहला ऑप्शन द क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग, मतलब उसके उनके प्रपोजल के अकॉर्डिंग। दूसरा है द कैबिनेट मिशन, तीसरा है माउंट बैटन प्लान और चौथा है राजा गोपालाचारी प्लान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल्स ऑफ द कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है हमारा, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो कहां से अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा ऑप्शन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा ऑप्शन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज में डील करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आर्टिकल 32, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 50, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 51, चौथा ऑप्शन आर्टिकल 51A। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है भारतीय संविधान का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ। भारत में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन, इट्स अ मोरल राइट, इट्स अ लीगल राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट और इट्स अ पर्सनल राइट।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. जो भारत में राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, लॉ ने आपको अधिकार दिया है प्रॉपर्टी ओन करने का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन है हमारा. विच आर्टिकल इज रेफर टू एज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसका मैं आपको एक क्लू भी दे सकता हूं कि जिस आर्टिकल को ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया गया है उसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर किया है. ठीक है, आई जस्ट होप कि अगर आपको आइडिया है तो आपको आंसर पता चल गया होगा. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन आर्टिकल 352, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 123, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 32 और चौथा ऑप्शन आर्टिकल 31. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 इज रेफर्ड टू एज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 32 को ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया और हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर किया गया. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन है हमारा. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड नहीं है? पहला ऑप्शन राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और चौथा है राइट टू इक्वालिटी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड नहीं है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन है हमारा. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम. सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए थे. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पहली चीज. और दूसरी चीज, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तो दुनिया के 10 बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया था और वहां से बहुत कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था. ठीक है, वहां से लेकर के अडॉप्ट किया गया था, एक हिसाब से हम कह सकते हैं ना, वहां से हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की थी. तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था. ठीक है, पहला ऑप्शन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा ऑप्शन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉपी किया था स्टेट पॉलिसी का. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन है हमारा. केशवंदना भारती केस वॉज एसोसिएटेड विद. सवाल ये पूछा जा रहा है कि केशवंदना भारती जो केस है वो किससे रिलेटेड है, मतलब किससे एसोसिएटेड है. जो चार ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, दूसरा ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन स्टेट राइट और चौथा ऑप्शन आर्म्ड रेबेलियन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है केशवंदना भारती केस वॉज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. वो फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ था. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन है हमारा. द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट. किस अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया. ठीक है, पहला ऑप्शन 44th अमेंडमेंट, दूसरा ऑप्शन 27th अमेंडमेंट, तीसरा ऑप्शन 21st अमेंडमेंट और चौथा ऑप्शन 42nd अमेंडमेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है
Option D, 42nd Amendment. The word socialist was added to the preamble of the Constitution of India by 42nd Amendment. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन है हमारा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा ऑप्शन नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. जो भारत का संविधान है इट इज अ कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा रिजिड भी है थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है. जहां रिजिड होने की जरूरत है वहां पे बहुत स्टिफ है, वो रिजिड है, वो चेंज नहीं कर सकते आप. जहां पे चेंजेस किए जा सकते हैं तो वहां पे आप चेंज कर सकते हो, वहां पे ये फ्लेक्सिबल है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन है हमारा. द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड इन विच आर्टिकल. ठीक है, आजादी का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में गारंटी किया गया है. पहला ऑप्शन 17th आर्टिकल, दूसरा ऑप्शन 19th आर्टिकल, तीसरा ऑप्शन 18th आर्टिकल, चौथा ऑप्शन 20th आर्टिकल. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 19th आर्टिकल. द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड इन 19th आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन है हमारा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज जस्टिफायबल, नॉन जस्टिफायबल, मैंडेटरी, नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नॉन जस्टिफायबल. ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफायबल इन नेचर बिकॉज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायोलेशन. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन है हमारा. द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट. सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का जो प्रीएम्बल है उसमें सेक्युलरिज्म शब्द को जो जोड़ा गया वो किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया. ठीक है, पहला ऑप्शन 40th, दूसरा ऑप्शन 42nd, तीसरा ऑप्शन 44th और चौथा ऑप्शन 46th. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 42nd. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में जो भारत का संविधान का जो प्रीएम्बल है उसमें सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ा गया. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन है हमारा. राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 32, 19, 31 और 14. इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 31. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, प्रॉपर्टी का जो राइट है ना, वो जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो आर्टिकल 31 में इंक्लूड किया गया है. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 118 और क्वेश्चन है हमारा. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट. पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में था, जिसे किस अमेंडमेंट द्वारा रिमूव कर दिया गया. ठीक है, वो अमेंडमेंट पूछा जा रहा है. पहला ऑप्शन 29th अमेंडमेंट, दूसरा ऑप्शन 25th अमेंडमेंट, तीसरा ऑप्शन 44th अमेंडमेंट और चौथा ऑप्शन 42nd अमेंडमेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय 42nd अमेंडमेंट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन है हमारा. पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ. भारत के संविधान का पार्ट 4A किससे डील करता है. पहला ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, दूसरा ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, तीसरा ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और चौथा ऑप्शन सिटीजनशिप. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज. पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन है हमारा. द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज. भारत के संविधान को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो कैसा है. ठीक है, पहला ऑप्शन रिजिड, दूसरा ऑप्शन फ्लेक्सिबल, तीसरा ऑप्शन पार्टली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. भारत के संविधान को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर.
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन है हमारा इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर मेड मैंडेटरी बाय विच अमेंडमेंट. ठीक है, पहला ऑप्शन 72nd, दूसरा ऑप्शन 73rd, तीसरा ऑप्शन 64th और चौथा ऑप्शन 63rd. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर मेड मैंडेटरी बाय 73rd अमेंडमेंट. ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन है हमारा पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. स्टेट लिस्ट में पंचायत राज इंक्लूड किया गया है. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन है हमारा अमंग द फॉलोइंग विच एजेंसी कंडक्ट्स इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज. ठीक है, पहला ऑप्शन नेशनल इलेक्शन कमीशन, दूसरा ऑप्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन, तीसरा ऑप्शन लोकल बॉडीज देमसेल्व्स और चौथा ऑप्शन गवर्नमेंट बॉडीज. सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें अमंग द फॉलोइंग इनमें से कौन सी एजेंसी लोकल बॉडी का इलेक्शन कंडक्ट कराती है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेट इलेक्शन कमीशन. स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज. ठीक है,